नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। शहीद स्मारक कचहरी परिसर देहरादून में उक्रान नेताओं में मुख्यमंत्री के आगमन का शहीद स्मारक में विरोध किया। उक्रान के नेता लताफत हुसैन और प्रमिला रावत का स्पष्ट कहना है कि ऋषिकेश शहीद स्मारक का ध्वस्तीकरण करने से पहले स्मारक समिति को सूचित नहीं किया और ध्वस्तीकरण से पहले अनियंत्रण स्थान पर निर्माण के पश्चात हटाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कचहरी परिसर पर शहीद स्मारक की प्रशासन नपाई कर रही है, जिसका संज्ञान जिलाधिकारी देहरादून को बताना चाह रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी देहरादून फोन नहीं उठाते हैं। आज शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री के आने पर बढ़ता उक्रान नेता करना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बढ़ता करने का साहस नहीं कर पाए, जिसका विरोध उक्रान नेताओं ने किया। साथ ही दल भी सरकार के मुख्य और जिलाधिकारी के रवैये की निंदा करता है। हमें आपको जानकारी किससे मिली? क्या मुझे 20 अक्टूबर से पता चला नाप के गए जा रहे हैं स्मार्ट स्मार्ट सिटी के कुछ कर्मचारी यहाँ पे नाप के भी गए हैं, तो हमें उससे पता चलेगी। निश्चित तौर पर जब ऋषिकेश तोड़े तो देहरादून भी तोड़ेंगे, लेकिन देहरादून का शहीद स्मारक नहीं तोड़ने देंगे। जितने लोग तोड़ने आएंगे या तो उनकी लाशें जाएंगी या फिर हमारी लाशें जाएंगी। बिल्कुल कार्य है, पर मैं अकेली महिला प्रमिला रावत, अभी तो मुझे सूचना मिली, अभी 10 मिनट में से मुझे पता चला कि ये हमारा शहीद स्मारक तोड़ रहा है। पूरा उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को मैं बुलाऊंगी। निश्चित तौर पे 9 नवंबर को हमारा राज्य गठन होता है, अगर सीएम यहाँ आएगा तो हम ताला लगाएंगे मिलके यहाँ पे। पहली बात, और हमें कहीं दिखेगा तो मैं आप सीएम को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ऋषिकेश तोड़ा इन्होंने हमारा, हम उसमें आंदोलन चल रहा है वहाँ, इन्होंने अभी वहाँ पे बना रहे बड़े बड़े सिटी स्मार्ट के बड़े बड़े लोगों को भेज दिया हमारी भूमि। आज हमारा मंदिर शहीद स्मारक उक्रान के दिए आज, और आज इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही पूछना चाह रही थी माननीय मुख्यमंत्री से कि साहब आप तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं, हमें इतने बता दीजिए। इतना 2 मिनट का समय नहीं था जिसने, क्या था इसके पास, क्या था माननीय मुख्यमंत्री के पास, आज क्या क्या संपत्ति, जांच करी इनकी संपत्ति की आज, लेकिन उक्रान बिल्कुल छोड़ेगा नहीं माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, कोई ऋषिकेश का मैटर है जिसको लेकर के उन्होंने ये बात कही है, उसको देखा जाएगा। बाकी जो यहाँ पर अगर कोई स्मार्ट सिटी में कोई इशू होते हैं तो उसमें जो है प्रॉपरली बात करने के बाद और प्रॉपर शिफ्टिंग के बाद ही कोई इशू होता है, ऐसे कोई इशू नहीं होता है।